हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हो। जनकुक वो अपनी मेमोरी लॉस कर चुके हैं, उसको कुछ याद नहीं है। वो तियांग के साथ उसके मेंशन में रहता है। तियांग एक माफिया किंग है जिसके पास हार्ट नाम का कोई चीज़ ही नहीं है, लेकिन जनकुक तो तियांग से प्यार कर बैठे है। जनकुक के लिए तियांग ही उसका सब कुछ है। वो इतना हैंडसम और गुड लुकिंग है कि जनकुक को तियांग से प्यार हो गया, लेकिन तियांग को तो जनकुक के लिए कोई फीलिंग्स ही नहीं है। वो उसके बारे में कुछ सोचता भी नहीं है। उसको यहाँ पर रहने के लिए दिया है क्योंकि जनकुक कुछ याद नहीं है और ना ही जनकुक ने तियांग का कुछ बिगाड़ा है। एक्चुअली जनकुक को पता नहीं था कि तियांग माफिया किंग है। वो अपनी मेमोरी लॉस कर चुके थे और वो एक सड़क पर थे जब तियांग के कार जा रहा था। उसने हेल्प मांगा। तियांग ने जनकुक से पूछा, तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो जनकुक ने तियांग से कहा, मुझे कहीं पर जाना है, लेकिन कहाँ जाना है मुझे याद नहीं आ रहा है। तियांग को पहले लगा कि जनकुक झूठ बोल रहे हैं, शायद किसी ने उसको भेजा होगा तियांग को फंसाने के लिए। तो तियांग ने कहा, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हें किसने भेजा है, सच कहो। वो जनकुक को पकड़ लिया। जनकुक ने कहा, मुझे सच में कुछ याद नहीं है, मैं तो ये भी भूल चुका हूँ कि मेरा नाम क्या है। मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है, मैं नहीं जानता हूँ, मुझे सच में कुछ याद नहीं है। क्या आप मुझे जानते हो, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मुझे किसने भेजा होगा? तियांग ने कहा, एक क्या मजाक है। तियांग को समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए तियांग जनकुक को अपने साथ मेंशन लेकर आए थे ताकि उसको पता चल जाए कि किसने जनकुक को भेजा होगा। कहीं तियांग को फंसाने के लिए या फिर उसको मारने के लिए तो नहीं भेजा है ना। लेकिन जैसे दिन बीतते गए, तियांग को पता चल गया कि जनकुक सच बोल रहे थे, उसको कुछ याद नहीं है, वो अपने नाम तक भूल चुके हैं। उसके बाद जनकुक को तियांग ने एक नाम दिया है, किमगुक, जिसको सुनने के बाद जनकुक को बहुत अच्छा लगा। वो बहुत ही खुश हो गए। उसके बाद से ही जनकुक को तियांग पसंद आने लगे। जनकुक अब तियांग से प्यार कर बैठे हैं, लेकिन तियांग तो अपने काम में इतना बिजी रहता है कि उसको किसी के बारे में सोचने के लिए टाइम भी नहीं है। वो अपने ख्यालों में खोया रहता है, अपने काम में बिजी रहता है। लेकिन अचानक ऐसा हुआ कि जनकुक तियांग के सामने नहीं आ रहे थे, तो तियांग को बहुत ही ज़्यादा टेंशन होने लगे। वो अपने गार्ड से कहा कि वो कहाँ है, तो उसके आदमियों ने कहा, कौन? तो तियांग गुस्सा करते हुए कहा, और कौन, किमगुक कहाँ है? तो उसके बॉडी गार्ड और उसके आदमियों ने कहा, वो तो अपने रूम में है और वो बीमार है, उसको फीवर हुआ है। तियांग गुस्सा करते हुए कहा, और तुमने मुझसे कहा क्यों नहीं? तुम लोग अब तक कर क्या रहे थे? क्या उसको किसी ने डॉक्टर दिखाया है? क्या उसने दवाई लिया है? वो बहुत सारे क्वेश्चन कर रहे थे। सब लोग तियांग को इस तरह से देखकर शॉक हो गए। पहली बार तियांग इतना गुस्सा कर रहे थे, वो भी किसी अजनबी के लिए। तियांग इतना ज़्यादा प्यार क्यों दिखा रहे उसके लिए? तियांग जल्दी से जनकुक को देखने के लिए उसके रूम में आ जाते हैं। जनकुक बेड पर सोया हुआ था। तियांग उसके पास आकर बैठ जाते हैं, उसकी गाल को छूना चाहता है, लेकिन वो अपनी हैंड को खींचकर अपने पास लेकर आते हैं। वो अपनी माँ को पकड़कर जनकुक को देख रहा था। वो यही सोच रहा था, क्या वो जनकुक को टच करेगा या नहीं? जैसे ही तियांग ने सोच लिया कि नहीं, मुझे टच करके देखना ही होगा, फीवर कैसा है, कम हुआ है या नहीं, वो अपने हाथ को आगे लेकर गया और जनकुक की गाल पर टच करके देखा, उसकी फोरहेड पर टच करके देखे। उसके बाद उसकी चेस्ट पर हाथ लेकर गए, उसकी गर्दन पर देखा। जैसे ही तियांग ने नोटिस किया है कि जनकुक की बॉडी गर्म से फटे जा रहे हैं, तो फिर तियांग को और गुस्सा आ गया और उसने डॉक्टर को कॉल करके कहा, 5 मिनट के अंदर अगर नहीं आया ना, तो मैं जिंदा गाड़ दूंगा। डॉक्टर कोई और नहीं, जेहोप है। जेहोप ने तियांग से कहा, क्या, लेकिन 5 मिनट के अंदर मैं कैसे आऊँगा? तियांग, तुम्हें क्या बोल रहे हो? तियांग ने कहा, 1 सेकंड के लिए भी अगर लेट हुआ ना, तो तुम्हें अच्छी तरह से पता है जेहोप मैं क्या कर सकता हूँ। जेहोप बिना कुछ बोले ही कॉल रख दिया। तियांग ने गुस्से से कहा, उसकी इतनी हिम्मत, मुझे बिना कुछ बोले ही कॉल कट कर दिया। वो अपने फ़ोन को तोड़ दिया। तो फिर जेहोप, 2 सेकंड बाकी था, वो आ गए। तियांग को आकर कहा, सॉरी मैंने तुम्हारा फ़ोन कट कर दिया, वरना क्या कहता, तुमने 5 मिनट के अंदर आने के लिए कहा था। मैं कोई डोरेमोन नहीं हूँ जो तुम 5 मिनट के अंदर कहोगे और मैं दरवाजे से आ जाऊँगा।
मुझे चलकर आना पड़ता है। हाँ मैं जानता हूँ तुम्हारे मेंशन में ही मैं रहता हूँ, लेकिन मैं बिजी था। तुमने तो मुझे अपनी मेंशन में बंद करके रखा है, यहाँ से जाने ही नहीं देते हो। वरना मैं हॉस्पिटल में होता तो मैं यहाँ पर 5 मिनट के अंदर कैसे आते? तियांग ने कहा, इसलिए तो तुम्हें यहाँ पर रखा है, जेहोप ने कहा, लेकिन इससे पहले तुमने ऐसा कभी नहीं किया है। आज अचानक क्या हो गया कि तुम कुछ दिनों से मुझे यहाँ पर बंद करके रखा है, यह ऐसे कहीं नहीं जाने देते हो। जब से वो लड़का यहाँ पर आया है ना, तुमने मुझे हॉस्पिटल जाना बंद कर दिया है, तियांग ने कहा। तुम्हारा काम है उसको चेक करना, जल्दी से चेक करो, जेहोप कहता है। हाँ हाँ ठीक है, मैं समझ गया, मैं अभी चेक करके कहता हूँ, उसके बाद जनको को चेक करके कहा। उसको फीवर हुआ है, मैं दवाई लिख देता हूँ, वो खा लेंगे तो ठीक हो जाएगा, तियांग कहता है। अगर वो ठीक नहीं होंगे ना तो तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा, जेहोप ने कहा। ए लो दवाई और उसको खिला दो। तो फिर तियांग जनको को दवाई खिलाने के लिए आगे बढ़ ही रहा था, जेहोप ने कहा, रुक जाओ। तियांग ने कहा, क्या हुआ? क्या तुमने इसमें जहर दे दिया है क्या? जेहोप ने कहा, वो मैं तो बोलना भूल ही गया, क्या उसने खाना खाया है? तियांग ने कहा, मुझे नहीं पता। जेहोप ने कहा, तो किसको पता है? तुमने मुझे यहाँ पर बुलाया है तो तुम्हें पता होना चाहिए ना। तियांग ने वो अपने आदमियों से पूछा है, क्या उसने खाना खाया है? तो उसके आदमियों ने कहा, नहीं उसने कुछ नहीं खाया है, वो 2 दिन से भूखा है। तियांग कहता है, क्या उसने कुछ नहीं खाया है, वो 2 दिन से भूखा है और तुम लोग मुझे अभी भूल रहे हो? मैं अभी जाकर उसके लिए कुछ बनाकर लेकर आता हूँ। जल्दी से तियांग जनको के लिए सूप बनाकर लेकर आते हैं। सब लोग तियांग को घूरे जा रहे थे, जेहोप भी। जेहोप अभी तक यहाँ पर ही थे। तियांग जैसे ही यहाँ पर आए वो जेहोप को गुस्से से देखा। जेहोप डर के मारे यहाँ से चले गए। उसके बाद तियांग अपने हाथों से जनको को सूप पिलाता है, लेकिन जनको के मुँह से सूप नीचे गिरे जा रहा था, इसलिए तियांग ने अपने मुँह में सूप ले लिया। तो बाकी सब बहुत ही शौक हो गए कि तियांग ये क्या कर रहे हैं, वो जनको को सूप पिलाने के बजे वो अपने आप ही सूप पी रहे हैं। लेकिन जैसे ही तियांग ने जनको के होठों पर किस करते उसको सूप पिला रहे थे, सब लोग यहाँ से चले गए, क्योंकि अगर यहाँ से नहीं जाएंगे तो तियांग सबको यहाँ से बहुत दूर भेज देगा। और यहाँ पर अब कोई इंसान नहीं था सिवाय तियांग और जनको के। सब लोग एक दूसरे से यही बोल रहा था। अचानक तियांग को क्या हो गया है, पहली बार तियांग ने अपने हाथों से सूप बनाया है, वो भी जनको के लिए, जिसको वो जानता भी नहीं है। आखिर वो यहाँ पर क्यों आया है और वो क्या चाहता है, वो कौन है? तियांग जनको को बहुत ही प्यार से सूप पिला रहा था, वो भी अपने किस के थ्रू। उसके बाद वो दवाई को अपने मुंह में लेते हुए जनको को पिला देता है। जनको कुछ देर बाद जैसे होश में आते हैं, तियांग उसके सामने ही बैठकर उसको देखे जा रहा था। जनको जैसे ही तियांग को इस तरह से देखा ना, वो बहुत ही शौक हो गए। वो उठकर बैठने लगे तो तियांग ने उसको सुलाते हुए कहा, तुम उठ क्यों रहे हो, सोए रहो। जनको ने कहा, लेकिन वो तो, तियांग ने कहा, मैंने कहा ना तुम्हें उठने की ज़रूरत नहीं है, तुम लेटे रहो, तुम्हें बहुत बुखार है, जब तक तुम ठीक नहीं हो जाते हो मैं तुम्हारा ध्यान रखूँगा। जनको ने कहा, लेकिन आप तो तियांग ने कहा, क्या मैंने तुमसे कुछ पूछा है क्या, चुप करके सोए रहो। हाँ तुम्हारी बॉडी बहुत ही गर्म है, इसलिए डॉक्टर ने कहा टावल को पानी में भिगोते हुए तुम्हारी बॉडी को पोंछने के लिए। जनकुक ने कहा, ठीक है मैं कर लेता हूँ। वो जैसे ही टावल को पानी में भिगोने जाते हैं वो गिर जाने ही वाले थे। तियांग ने जनकुक को पकड़ लिया और कहा, मैंने तुमसे ये करने के लिए कहा क्या? जनकुक ने कहा, लेकिन तुम्हें कौन करेगा, मुझे ही करना होगा ना, मैं कर लूँगा, कोई बात नहीं मैं कर सकता हूँ, अभी मैं पहले से ठीक हूँ। तियांग ने कहा, तुमने 2 दिन से खाया नहीं है इसलिए तुम बहुत ही वीक पड़ चुके हो, तुम्हें ठीक से खाना होगा और मैं जैसा कहता हूँ वैसे ही करना होगा, समझ गए? अब सीधे बैठे रहो और हाँ तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद से कर दूँगा। तियांग पानी में टावल को भिगोते हुए जनकुक की बॉडी को टावल से मोछने लगते हैं, जिससे जनकुक बहुत ही हॉट हो जाते हैं, क्योंकि जनकुक तो तियांग को पसंद करता है, उससे प्यार करता है। तियांग की टच से उसको बहुत ही अच्छा लग रहा था, वो हॉट होते जा रहे थे। उसको तियांग की ज़रूरत है, उसकी प्यार की ज़रूरत है, लेकिन तियांग
उसकी तरफ ध्यान भी नहीं दे रहे थे, वो अपना काम करते जा रहा था। अचानक तियांग के हाथ किसी ऐसी जगह पर टच हो गए जिससे कि तियांग भी फिसल गए और वो जनकू को देखते रह गया। वो जनकू को देखते हुए अपने होठों को बाइट कर रहे थे जिससे लिप से खून निकलना शुरू हो जाता है। बहुत ही जोर से बाइट कर दिया था तियांग ने। उसके बाद तियांग जैसे अपने फिंगर से लिप्स को टच किया, उसने देखा कि फिंगर में खून आ गए। तियांग बहुत ही ज़्यादा शॉक हो गए कि अचानक क्या हो गया। उसने ध्यान भी नहीं दिया था कि कब उसने ऐसा किया है। जनकुक बहुत ही परेशान हो गए। वो तियांग की लिप्स पर अपने हाथों से खून को साफ करने लगे और कहा, आप ठीक तो हो ना, मैं देखता हूँ कि क्या हुआ है। तियांग कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तुम बीमार हो, तुम्हें रेस्ट करने की ज़रूरत है। मैं अपना ध्यान रख सकता हूँ। लेकिन जनकुक ने कहा, ये तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, मुझे कुछ करना होगा। और एक कहते हुए उसने तियांग की होठों पर किस करना शुरू कर दिया और उसकी ब्लड को पीने लगे। तियांग कुछ पल के लिए बहुत ही शौक हो गए। जब उसने जनकुक को सूप पिला रहा था किस के थ्रू, तब भी उसको कुछ ऐसा ही फील हो रहा था। उसके हार्ट बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो गए थे, अभी भी वैसे ही हो रहे हैं, लेकिन अभी कुछ और ही फील हो रहा था। वो साथ में हॉट भी हो चुके थे, उसको कुछ और ही करने का मन हो रहा था। तियांग अब जनकुक को टाइटली पकड़ लेता है और उसके ऊपर आ जाते हैं, उसको बेड पर लेटाते हुए। वो तियांग जनकुक घूरे जा रहे थे, जनकुक भी तियांग को देखे जा रहा था। जनकुक डर चुके थे, कहीं तियांग को गुस्सा तो नहीं आ गया ना, क्या वो अब जनकुक को कुछ कहने वाले हैं और क्या करने वाले हैं। उसके बाद तियांग जनकुक की गर्दन पर अपने माउथ को लेकर गए और बाइट करने ही वाले थे कि उसको याद आया कि जनकुक बीमार है। वो उसके ऊपर से उठ गया और तियांग ने कहा, सॉरी वो मैं, तो जनकुक ने कहा, वो सॉरी कहने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं आपको पसंद करता हूँ और मुझे आपसे प्यार है। तियांग बहुत ही शौक हो गया जनकुक के मुँह से ये बात सुनने के बाद। तियांग के हार्ट बीट और भी तेज़ हो गए। उसके बाद तियांग ने जनकुक के सामने से चला गया तो जनकुक को लगा शायद तियांग जनकुक को पसंद नहीं करता है, इसीलिए वो यहाँ से चले गए और जनकुक की ही गलती है। उसने बिना कुछ समझे ही तियांग की होठों पर किस कर लिया। फिर जनकुक ने मन में कहा, लेकिन उसने भी तो मुझे किस के थ्रू सूप पिलाया है, दवाई पिलाया है, तो मैंने अगर ऐसा किया है तो क्या हो गया है, कहीं वो नाराज़ तो नहीं हो गया है ना, मुझे उसे जाकर माफ़ी मांग लेना चाहिए। और यहाँ पर तियांग यही सोच रहा था, कहीं जनकुक को ये ना लगे कि मैं उसको पसंद नहीं करता हूँ। जनकुक तियांग को सॉरी बोलने के लिए उसके मेंशन के अंदर आ रहे थे। उसने जैसे ही तियांग के मेंशन पे आया ना, वो बहुत ही शॉक हो गया। तियांग अपने मेंशन को बहुत ही अच्छी तरह से डेकोरेट करके रखा था। इन दो घंटों में इतना कुछ बदल गया। जनकुक को लगा शायद तियांग किसी के साथ शादी करने वाले हैं। उसके गार्ड्स यही बोल रहा था, आखिर बॉस ने अचानक एक ही डिसाइड कर लिया है कि उनको शादी करना है। इतने सालों में उन्होंने कभी ऐसे डिसीजन नहीं लिया है, लेकिन अचानक बॉस को क्या हो गया है और वो किसे शादी करने वाले हैं, कौन वो होंगे पता नहीं। जनकुक तियांग की शादी के बारे में सुनकर ही उसको बहुत ही शौक लग गया। वो बहुत ही सैड हो गए। वो यहाँ से जा ही रहा था, पीछे से तियांग जनकुक की हैंड को पकड़ लेता है। आखिर जनकुक इतने दिनों से तियांग की गेस्ट हाउस में रह रहा था जो मेंशन के सामने ही है। और तियांग जनकुक की हैंड को पकड़ते हुए कहता है, कहाँ जा रहे हो। जनकुक ने कहा, वो आज आपकी शादी है क्या, मैंने सुना है, तो मुझे लगा अभी यहाँ पर नहीं आना चाहिए मुझे। तियांग जनकुक की हैंड पकड़ते हुए कहता है, हाँ मैंने शादी का फैसला किया है और मैं शादी करने वाला हूँ, लेकिन तुम यहाँ से क्यों जा रहे हो, तुम क्या बोलने के लिए आए, क्या वो नहीं बोलने वाले हो, कहो क्या बोलने के लिए आए थे, मुझे सुनना है अभी। जनकुक ने कहा, वो मैं तो बस सॉरी कहने के लिए आया था क्योंकि मैंने आपसे बिना पूछी। तो तियांग ने कहा, सिर्फ सॉरी बोलने के लिए आए थे और कुछ नहीं। तो जनकुक कहता है, नहीं मैं और क्या ही कह सकता हूँ। तो तियांग कहता है, क्यों उस टाइम पर क्या बोल रहे थे, क्या वो नहीं कहोगे। जनकुक नीचे की तरफ देखकर कहता है, लेकिन आप ही बोलने से क्या होगा, आप तो किसी और से शादी कर रहे हो ना, तो मुझे ये सब कुछ बोलना सही नहीं होगा,
तियांग ने जनकू की तरफ देखते हुए कहा, क्या तुम ये नहीं कहोगे कि तुम मुझसे प्यार करते हो, तुम मुझे पसंद करते हो? जनकू वो अभी भी नीचे की तरफ देखकर कहता है, अभी ये सब कुछ बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप तो मुझे पसंद नहीं करते हो ना। तो तियांग जनकू की कमर में हाथ डालते हुए सबके सामने जनकू के होठों पर किस कर लिया और वो और जनकू को अपनी ओर खींच कर लेकर आते हैं। उसको टाइटली पकड़ लिया और उसके होठों पर बहुत ही रफली किस करना शुरू किया। कंटिन्यूसली किस किए जा रहे थे, उसको छोड़ नहीं रहा था। बहुत ही लॉन्ग किस के बाद तियांग जनकू से अलग हुए। जनकू सांस भी नहीं ले पा रहे थे क्योंकि वो बीमार है, ऊपर से वो बहुत ही वीक है। तियांग कहता है, सॉरी मैंने ध्यान नहीं दिया कि तुम बीमार हो, क्या करता, तुम हो ही इतना हॉट कि मैं तुम्हें किस किए बिना नहीं रह सका और मैं तो अब इंतज़ार भी नहीं कर पाया। तुम बीमार हो ये जानने के बाद भी मैंने शादी करने का फैसला कर लिया। जनकू को कुछ समझ में नहीं आया तो वो उसने कहा, लेकिन आप तो किसी और से शादी करने वाले हो ना। तियांग कहता है, क्या मैंने अभी तक कहा नहीं है कि मैं किससे शादी कर रहा हूँ, तो तुम्हें क्या लगता है मैं किससे शादी करने वाला हूँ? जनकू कहता है, मुझे नहीं पता। तियांग कहता है, तुम इतनी इनोसेंट क्यों हो? ऑब्वियसली मैं तुमसे शादी करने के लिए सब कुछ तैयारियाँ किया है, मुझे तुमसे शादी करना है और मैं अब इंतज़ार नहीं कर सकता हूँ, तुम्हारे ठीक होने का भी इंतज़ार नहीं कर सकता हूँ। मैं जानता हूँ तुम बीमार हो, लेकिन ऐसी ही हालत में तुम्हें मुझसे शादी करना होगा, क्या तुम इसके लिए तैयार हो? विल यू मैरी मी? जनकू ने तुरंत कह दिया, आई विल, हाँ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि मुझे आपसे बहुत प्यार है, मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ। तियांग कहता है, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मुझे अभी भी पता नहीं चला, मैं पहले से जानता हूँ, लेकिन मैंने इसको बहुत ही हाइड करने की कोशिश किया है, इसको इग्नोर भी किया है, लेकिन अब मेरे लिए बहुत ही मुश्किल हो गया है। जब मैंने तुम्हें बीमार देखा है ना, और 2 दिन से तुम्हें मैंने नहीं देखा था, मैं पागल सा हो रहा था। तुम्हारे होठों पर जैसे मेरे होठ टच हो गए ना, तब से ही मुझे लगा अब तुमसे दूर रहना बहुत ही मुश्किल है, अब तो तुमसे शादी करना ही होगा। लेकिन तुम मुझे कभी भूलते नहीं जाओगे ना जनकू? जनकू कहता है, कभी नहीं, मैं आपको कभी नहीं भूलूंगा। तियांग जनकू से कहता है, लेकिन जैसे तुम्हारी मेमोरी वापस आ जाएगा तब तो तुम मुझे भूल जाओगे, तब मैं क्या करूँगा? जनकू कहता है, मेरी याददाश्त वापस आ जाए या फिर नहीं आए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं आपको प्यार करना कभी नहीं छोड़ूंगा। और मैं चाहता हूँ अगर याददाश्त वापस आने से अगर मैं आपको भूल जाता हूँ ना, तो मुझे वो याददाश्त की ज़रूरत नहीं है, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। और मुझे आपका दिया हुआ नाम बहुत ही पसंद है, किम गुक, मुझे किम गुक बनकर ही रहना है। तो तियांग कहता है, हाँ मैंने वो नाम इसीलिए दिया था क्योंकि मैं चाहता हूँ तुम मेरी फैमिली बनकर रहो, और मुझे पहले दिन से ही पता था कि तुम्हारे जैसे इनोसेंट लड़का मेरा कभी बाल भी बका नहीं कर सकता है। तुम मुझे प्यार कर सकते हो लेकिन मुझे कभी हेट नहीं कर सकते हो। शादी हो जाने के 6 मंथ बाद जनकू सीढ़ियों से नीचे गिर गए और तियांग को जैसे ही पता चला वो दौड़कर जनकू से मिलने के लिए आ गए। तियांग काम से बाहर गए थे, जनकू यहाँ पर बेड पर लेटा हुआ था। जेहोप ने उसको चेक किया था, उसका सर पर चोट लगी है और उसकी याददाश्त वापस आ चुकी है। तियांग जैसे मेंशन वापस आए जेहोप ने उसको कहा कि जनकू की याददाश्त वापस आ चुकी है, उसका नाम जियोन जनकू है, वो एक अनाथ है और वो अर्पण से भाग कर आया था। उसके पेरेंट्स ने उसको सड़क पर छोड़ दिया था, फादर ने उसको अनाथ आश्रम में लेकर गया था। जनकू की याददाश्त खो जाने के बाद वो तियांग के साथ उसके मेंशन में चले आए थे। अब जनकू की मेमोरी वापस आ चुकी है, तियांग को लगा शायद जनकू उसको भूल गया होगा। जैसे वो डर डर के जनकू के पास जा रहे थे, उसके हार्ट भी तेज हो गया था। जनकू तियांग को देखकर बहुत ही खुश हो गए और बेड से उठकर तियांग को आकर हक कर लिया। तियांग बहुत ही शौक हो गए, वो जनकू की फोरहेड पे किस करते हुए कहा, क्या तुम मुझे पहचान रहे हो, क्या तुमने मुझे भूला नहीं? जनकू ने कहा, मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ? हाँ मैं जानता हूँ, मुझे पिछली बात ही याद आ गया है कि मेरा नाम जीवन जनकू है, मैं अनाथ हूँ, लेकिन मैं इस बात को नहीं भूला कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ और तुम्हारे साथ बहुत ही खुश हूँ,
मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मुझे तुम्हारे साथ बिताया हुआ हर पल याद है। तुम मुझे कितना प्यार करते हो और मैं तुम्हारे लिए क्या फील करता हूँ, मैं इन सारी चीज़ों को कभी भूल नहीं सकता हूँ। आई रियली लव यू तियांग, तियांग कहता है। आई लव यू टू किम गुक, सॉरी जियोन जनकुक, जनकुक कहता है। मुझे तुम्हारा दिया हुआ नाम ज़्यादा पसंद है। जियोन जनकुक वो भी मेरा नाम फादर ने ही दिया है, क्योंकि उनको मेरे गले पर एक रॉकेट पहना हुआ मिला जिस पर जियोन जनकुक लिखा हुआ था। वो मेरा नाम है या फिर किसी और का मैं नहीं जानता हूँ, फादर ने कहा। शायद वो मेरा ही नाम होगा क्योंकि लॉकेट पर यही लिखा हुआ था। लेकिन मुझे तुम्हारा दिया हुआ नाम ज़्यादा पसंद है, किम गुक, और मैं तुम्हारा किम गुक बनकर ही रहना चाहता हूँ। उसके बाद जनकुक और तियांग एक दूसरे को किस कर लिया। सो गाइस, यहाँ पर ही दी एंड करता हूँ। आई होप आप लोग को पसंद आ गया होगा। मुझे तो तेकुक साथ में बहुत अच्छा लगता है और मैं चाहता हूँ दोनों साथ में ऐसे ही खुश रहे। आई होप आप लोग को स्टोरी पसंद आए होंगे। तो अगर पसंद आता है तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।